हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल वाई फाई ज्ञान में। फ्रेंड्स, यूपी टेट 2018 का यहाँ पर बहुत ही भयंकर न्यूज आ रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अच्छी खबर भी आ रही है और बुरी खबर भी आ रही है। दोस्तों, अच्छी खबर क्या आ रही है? दोस्तों, यहाँ पर अच्छी खबर ये आ रही है कि जो लोग रीट चाहते थे कि रीट पड़ जाए, उन लोगों के लिए अच्छी खबर है, और जो लोग नहीं चाहते थे उनके लिए बुरी खबर है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आज दोनों खबर को बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। और जो लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को वीडियो के नीचे लाल बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यूपी टेट की पल पल की अपडेट मिलती है इस चैनल पर। कोई भी न्यूज़ अगर नोटिस आती है तो हम आपके लिए वीडियो सबसे पहले लेकर आते हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाले बटन पर प्रेस जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक न्यूज़ आई है, सबसे पहले तो उस न्यूज़ को यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि टीटी 2018 के 14 प्रश्नों के लिए को प्रश्नों को दी गई चुनौती यहाँ पर देख सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी हम इसको पढ़ लेंगे कि शिक्षक पात्रता परीक्षा टीटी 2018 के परिणाम से असंतुष्ट अभ्यर्थियों ने प्राथमिक स्तर के 14 प्रश्नों को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। अभ्यर्थियों का दावा है कि आपत्तियों दर्ज कराने के बावजूद परीक्षा नियामक प्राधिकरण कार्यालय एल नजंग संशोधित नहीं किया गया। और दोस्तों, यहाँ पर है कि 1-2 दिन में परिणाम घोषित होने जा रहा है, यानी कि दोस्तों आज चार और 5 दिसंबर को इसका परिणाम घोषित होने वाला था। ऐसे में उनकी बात चुनने के बाद भी परिणाम जारी किया जाए, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद सर्वाधिक आपत्ति लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है को लेकर इसका जवाब परीक्षा नियामक प्राधिकरण के भारत निर्वाचन आयोग सही माना है, लेकिन अभ्यर्थियों ने साक्ष्यों के साथ दावा किया है कि सही जवाब राष्ट्रपति है। ठीक है, संस्कृत के 2 प्रश्नों शब्द रूप और विभक्ति की पहचान पर आपत्ति है। अंग्रेजी के 2 प्रश्न सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को लेकर भी आपत्ति है। अभ्यर्थियों का दावा है कि सिलेबस में यह टॉपिक था ही नहीं, फिर कैसे? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि मतलब ये प्रश्न पूछा था कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को लेकर भी आपत्ति है, जबकि यह विद्यार्थियों का कहना है कि यह सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन है, यह सिलेबस में था ही नहीं, इससे जुड़े सवाल पूछ लिए गए। 3, जिन 3 प्रश्नों में 2-2 विकल्प सही माना है उसमें सभी को समान रूप से 1-1 अंक देने की मांग की गई है। अभ्यर्थियों का कहना है कि बुकलेट में लिखा था कि 1 से अधिक गोला करते हैं तो उत्तर गलत माना जाएगा, जबकि परीक्षा कराने वाली संस्था 2 विकल्पों का सही मान रही है। ऐसे में अभ्यर्थी दोनों सही गोला को काला नहीं कर सकता। 6 अन्य प्रश्नों के खिलाफ भी आपत्तियां की गई है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी इनकी थोड़ी सी न्यूज़। और जो दोस्तों यहाँ पर जिनके पास यहाँ पर उत्थू लगाई गई है, यहाँ पर देख सकते हैं कि रीट लगाई गई है, वो लगाई गई है यहाँ पर सिविल मिक्स राइट एंड, यहाँ पर देख सकते हैं कि रीट पोजीशन यहाँ पर। और दोस्तों कौन लगाया है उसको? हिमांशु यहाँ पर, गंगवार एंड अदर को यहाँ पर लगाई गई है। ये इनका बहुत बहुत शुक्रिया था कि यहाँ पर ये रीट लगा चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर आज ही का यह रीट लगा है, कल यहाँ पर रीट लग गया था। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इनका यूपी टेट का जो आंसर की जो यहाँ पर रिजल्ट निकलने वाला है वो 4 और 5 तारीख को घोषित होने वाला है। लेकिन यह यहाँ पर देख सकते हैं कि एनडीए न्यूज़ पर यहाँ पर आ रहा है कि 10 दिसंबर को इसका यहाँ पर रिजल्ट जारी होने वाला है। यहाँ पर देख सकते हैं कि 10 दिसंबर यहाँ पर ऑन दिसंबर रिलीज, यहाँ पर देख सकते हैं कि 2018 रिजल्ट विल बी दिसंबर, 10 दिसंबर को इसका रिजल्ट घोषित होगा। दोस्तों अभी तो आपके पास बहुत समय है, आप जल्दी से हाई कोर्ट जाकर इसको रिट लगा सकते हैं, जो अभी रिट नहीं लगाए। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, और साथ में घंटे वाले बटन पर प्रेस जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।